एक गरीब घर का लड़का था। उसे पढ़ने का बड़ा शौक था। वो रोज स्कूल जाता था, जो भी काम देते रोज करके आता था। बड़े उसके सपने थे, कुछ बड़ा करना चाहता था। मगर वो जैसे धीरे धीरे बड़ी क्लासों में पहुंचा, उसे कुछ समझ नहीं आता था। वो समझना तो चाहता था पर कोई समझाने वाला था नहीं। वो सीखना तो चाहता था, कोई सिखाने वाला था नहीं। वो पढ़ना तो चाहता था, कोई पढ़ाने वाला था नहीं। फिर उसके बोर्ड का रिजल्ट आया और वो फेल हो गया। उसके लिए जिंदगी एक खेल हो गया, जिसमें ना वो लड़ सकता था ना कुछ कर सकता था। उसके बाद उसके घर वालों ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी। उसकी जिंदगी, उसके सपने और वो खुद टूट गया। ये बस एक कहानी नहीं, शायद सच्चाई है। और इसका जिम्मेदार कौन, आखिर कौन, किसकी गलती है? ये सवाल आप सबसे। शायद किसी को ये बात बहुत छोटी लगे, लेकिन ये बात बहुत बड़ी है। हम देख रहे हैं इधर उधर, लेकिन समस्या हमारे सामने खड़ी है। आज न जाने कितने स्कूल कॉलेजेस ऐसे हैं जो बिना अध्यापकों के चल रहे हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या वो सच में पढ़ रहे हैं? लोग कहते हैं देश आगे बढ़ रहा है, यार क्या हम सच में आगे बढ़ रहे हैं? जिनको अपने हक के लिए लड़ना था, आज वो मोबाइल गेम पे लड़ रहे हैं। हर जगह स्कूल कॉलेज तो खोल दिए, पर ये बताओ यहाँ पढ़ाएगा कौन? जब टीचर्स नहीं होंगे तो यहाँ आएगा कौन? आज लाखों स्कूल कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ एक या दो टीचर से काम चल रहा है, और कईयों तो ऐसे हैं जहाँ कोई टीचर ही नहीं है। और बिना टीचर के शिक्षा ऐसे है जैसे बिना ड्राइवर के एक गाड़ी। किसकी गलती है और कौन मानने के लिए तैयार है? सरकार तो शायद भूल ही गई कि शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है।